हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। और ये देखिए हमारी पीछे दीवार, वाह जी वाह। मैं सोच रही हूं अपना रूम ही यहां शिफ्ट कर लूं। क्या मेहनत से हमने ये बनाई है, वाह। कितने हमारे 3-4 हजार रुपए तो बचे होंगे खुद लगाने से, क्योंकि दिहाड़ी लग गई। अगर आता है तो 3-4 हजार रुपए तो लेगा इस चीज के, लेकिन फिर भी चला टाइम कंज्यूमिंग तो टाइम कंज्यूमिंग है जी। ऐसा ये वॉल भी एक्चुअली हमारी बड़ी थी, अगर किसी को हल्का सा अपना कोई स्पॉट अपने कमरे में करना है तो वो कर सकते हैं, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर इतनी बड़ी वॉल करनी है तो आपको मतलब कितना 3 घंटे 3 नहीं चिराग, हम 5 घंटे सुबह शुरू हुए थे, रात के याद है 11 बजे हमें तो आता नहीं था ना। तो और जो करेंगे ट्राई वो कौन सा पहले से ही पेंटर वाला है, हमसे वो लेके चलो इंस्पिरेशन लो हमसे। अब चलो वो देखो वहाँ पे एक हमारा और काम बाहर बचा हुआ है, जो वो हमारे गार्डन पूरा फैला पड़ा है जो पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, तो उन्हें गमलों को भी सेट करना है, कल निकलना भी है, पैकिंग मेरी हो नहीं रखी, बड़ी दिक्कत है यार, कितने काम बचे हुए। और अभी हम यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पूरा ये हाथों में चिपक रहा है, पेंट अभी सूखा नहीं है। और इसको कितने 2 दिन तो हो चुके हैं, फिर कितने दिन और लेगा। ये देखिए हमारे छत की हालत, मेरी तो पैकिंग भी नहीं हुई कल की शादी के लिए। और मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं यार, इसमें तो कमर भी दिखेगी। हाँ हाँ, फिर शादी में ठुमके कैसे लगाए जाएंगे, बाहर तो डांस होगा। हाँ छोड़ यार, ये नहीं कर रहे आज, कल क्या फिर शादी, तो तब तक ऐसी बिखरी रहेगी यहाँ देखिए। मिट्टी है क्या शिट? तो शिट क्या, मेरे पाँव में चिपक गई है। तो अभी छत का काम तो नहीं हो पाया क्योंकि आज मेरे को अपना हेयर कट कराने भी जाना है, बियर्ड भी ट्रिम करानी है। तो आपको हम अपडेट दिखा देते हैं अपने, जो हमने हैंगिंग पॉट्स लगाए थे उसमें कितने कितने उगे हैं और कैसा कैसा दिख रहा है। ये छाया में था इसलिए आया, और ये वाले ये भी नीचे नीचे को तो लटक गए वैसे काफी, बट ये केयर मांग रहे हैं कि इन्हें काट के, शायद ना इनकी ये जैसे स्टेम फालतू लटक गई, इसे काट के दोबारा अंदर लगानी है। और ये भी बड़े सुंदर हो गए इधर वाले भी, एलोवेरा देखो कितना बड़ा हो गया। हाँ यार एलोवेरा ये वाला जो है निकाल के सिर पे लगा लूँ, कुछ होगा अच्छा ना, कुछ तो होगा ही। तो ये छत से एलोवेरा लेके आया हूँ मैं, इसे चेहरे पे लगाया जाए कि आपका इससे भी चमक आए कुछ चेहरे पे। एंड आई विल बी लुकिंग द स्मार्टेस्ट इन द शादी, नॉट मोर देन द दूल्हा जी। तो मेगा तैयार है, अभी एक फोटो शूट होना है इस बैग का ना, एक कंपनी ने हमें बैग भेजा था, है तो बैग बड़ा सुंदर, कौन सी कंपनी का है, जूक, जूक का बैग है। कैसे सेठानी की तरह बैठी मेगा है, क्या लाओ जी, लाओ ये बैग भर के दो नोटों का फटाफट। फिलहाल इसमें अखबार अखबार भरा हुआ बैग। ऐसा होता है यार अगर मेगा की ना बैग में पैसे भर के भेज दिए गलती से, मैं तो नहीं देता वापिस, कौन करेगा। हमें फ्लिपकार्ट ने एक एक्स्ट्रा टी शर्ट नहीं भेजी थी पता नहीं आपके साथ किसी के साथ हुआ है। अभी रिसेंटली पिछले महीने चिराग ने एक टी शर्ट मंगाई फ्लिपकार्ट से, और उसके साथ एक वैसी तो नहीं दूसरे कलर में मुफ्त एक आई, तो कुछ नहीं बोला हमने। जरूर शॉपिंग कीजिए, चांसेस है आपको फ्री गिफ्ट मिलने का। पहली बार हुआ होगा यार ऐसा, तो मेरे साथ ऐसे एक बार पहले हुआ है। क्या आया था तुम्हें, मतलब मैंने 4 आइटम्स मंगाई थी तो कुछ 5 आइटम्स मुझे आई। फ्लिपकार्ट वी लव यू। खाने में है सलाद में है टमाटर, मैंने सुना टमाटर बड़े महंगे हो गए हैं यार, फिर भी हमारे लखपत भाई टमाटर खिला रहे हैं हमें, अरहर की दाल। आप भी बताएं आपके शहर में टमाटर का क्या रेट है, हमारे शहर में शायद 60 रुपए किलो या 80 रुपए किलो उग चुके हैं। जैसे ही हम चलने को हुए तो इसने ऐसे बोला कि अब मेरा मन कर गया खाने का तुम्हें देख के, तो ऑब्वियसली वहाँ 2-3 घंटे लग जाएंगे। मैंने बोला साथ में खा लो, साथ में नहीं खाना था, अलग अलग खाना था। अब मेरे को ये बार बार भेजेगी, ये ला दो वो ला दो, ये लो मिर्च खा लो, मुझे मिर्च का चार ले आओ, सब ला के रखा हुआ मैंने। बोलो इसको आम का नहीं दिख रहा है मुझे, तो आप खा लो, खाना भी मैंने ही ला के दिया। अब आपके कपड़े आ गए ना, बस इनको पैक भी कर देना, ट्राई कर लो फिर पैकिंग करते हैं। शर्ट तो बढ़िया है, बढ़िया सिलता है यार ये बंदा, कोट भी देख लो उसमें पहन के, टाइट तो नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं कोट नहीं हुआ होगा, मतलब मानते हो आप मोटे हो गए, तो हो गए तुम, बड़ी पतली हो गई हैं तुमने। और हेयर स्टाइल देखो अपना, पता नहीं कहाँ से कटवा के आए हो, शादी में जाना है फौज की सिलेक्शन में नहीं जाना है, दिखाओ पीछे घूमो। अब गलत कट गए तो कट गए, दिखाओ छी यार, मतलब छी, 3 दिन में है ना शादी, 3 दिन तक थोड़े थोड़े तो आ ही जाएंगे, बट छी ऐसा कौन है कट करता है, मेरे को क्या पता था गलत काट देगा वो, बिना पूछे तो कोई करता नहीं है। बोला यहाँ से छोटे कर दे, यहाँ से कर दे, और बस मेरे को क्या पता था वो पीछे में कैसे देखता है कि उसने कहाँ तक कर दी है। अब सब हंसेंगे आप पे, कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा, मैं हंस रही हूँ, तुम्हारा क्या हंसी है, और नहीं हंसनी चाहिए, घर की मुर्गी दाल बराबर।
तो सुबह से लेके ना अभी शाम हो चुकी है, अब निकल रही हूँ मैं पार्लर के लिए। चरा के रे मैं भी चलता हूँ, मैं भी कुछ करवाता हूँ। आजकल डिस्काउंट चल रहा है फेशियल्स में। मैंने हेयर कट कराया और वो ऐसा ब्लंडर हुआ। उसमें क्या वो ठीक करेगा, बाल नहीं जब बचे हैं। बस अब मैं कुछ नहीं करा रहा ना, सब आज का व्लॉग हमने एडिट कर दिया है। स्टाइल है आजकल, बस बस बूढ़े हो रहे हो आप, कहाँ आप स्टाइलों के पीछे पड़े हो। मैं क्यों होता भाई बूढ़ा, सफेद बाल आ चुके हैं आप तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बुढ़ापा आ गया। सफेद बाल सबके आ जाते हैं, 30 के बाद सफेद बाल आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे तो 26 में आने शुरू हो गए थे। बताओ डाई लगाती हो कि नहीं लगाती हो? बाल क्लियर करती हो? ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बोलो। करती हो कि नहीं करती हो? बताओ, एडिट कर देना। करने के लिए अपने कपड़े दे रखे थे, वो ले आता हूँ यार फटाफट। पता नहीं बंद ना हो गई हो दुकान। हो गई जी ये सूट? हाँ जी। शर्ट इसके अंदर ही है ना? दोनों लगे? दोनों। कितने पैसे हो गए? दो शर्ट 170। ठीक है। मेगा मुझे ना 2 दिन से कह रही है कि अपनी पैकिंग कर लो, बट अब मैं लास्ट मोमेंट में पैकिंग कर रहा हूँ ना, मुझे आधा सामान नहीं मिल रहा। तो मेगा बड़ी स्वीट है, मेगा मेरी हेल्प करेगी। बिल्कुल स्वीट नहीं हूँ, मैं खून खा रही हूँ एकदम। अपना अपना काम खुद करो। बता दे यार। अच्छा वो वाली जुराब काम स्वयं करो, बता दो सकती हो। मैंने आपको पूछा मेरा सैंडल कहाँ है या मेरा ब्लाउज कहाँ है। अच्छा कपड़े कितने जोड़ी रखने हैं बता दो बस, जो पार्टी से अलग। दूल्हे राजा को फोन करो, पूछो। अरे थोड़ी वो हो गया, मैं ज्यादा कपड़े लेके जाऊंगा अब की बार। तो क्या हर घंटे चेंज करोगे? यस। अब देखो तुम मेरी पैकिंग। एंड आई एम ऑल सेट। मेरी पैकिंग देखो कितनी बढ़िया तरीके से हो चुकी है। हैंकी दो, कुत्तू आराम से बैठे हैं मेरे से करवा रहे हैं सारे काम। नहीं यार मैं भी अपनी बेल्ट फोल्ड कर रहा हूँ। पैकिंग हो चुकी है, हैंकी दे दो। दे मैं अपना भी करूं फिर पैकिंग। अब तो मेरा बैग पैक हो गया, अब तो कोई नाराज हो। मुझे ना सच में गुस्सा आ रहा है, जरा प्लीज उठो यार सच में। हैंकी 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 कहाँ रहते हैं? कितने दो? चलो दो ले लो। इसी बात गुस्सा देखो मैडम का, तो इतने गुस्से में क्यों यार? पैकिंग ही तो कर रहे, घूमने जा रहे हैं यार। अभी आप कराओगे मेरी ऐसी पैकिंग? तुम्हारी तो हो रखी है, और कितनी पैकिंग होनी है? इतनी भी क्या नाराजगी? मेरे से भी फिलहाल बात मत करो। मैं 400 किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा। मैं तो नहीं ऐसे तुमसे नाराज होता। तुमने मेरी 1 घंटा पैकिंग क्या कर दी? इतनी गुस्सा तो आज हमारे लखपत भाई फूलों की सफाई कर रहे हैं और साथ ही गाड़ी की भी सफाई हो रही है। हम जब भी सोचे ना जल्दी निकलना है, कभी नहीं हो सकता ये। अब शायद खाना भूल गए। खाना भूल गए हम। मम्मी ने पैक करके दिया है हमें। घर से निकलते ही इतना जाम। वैसे तो नो एंट्री का टाइम है अभी। चलिए फिर हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और आज का हमारा जो स्टॉप होगा वो होगा मथुरा का। और मथुरा में कान्हा जी के, ठाकुर जी के दर्शन करके फिर आगे हम आगरा शादी के लिए।